ये साहब हैं जिनकी गर्दन की हड्डी में, अभी आपको MRI दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक जो 7 सर्वाइकल वर्टीब्रे होते हैं वो उनमें काफ़ी डैमेज हुआ है और सर्वाइकल डिस्प्लेस होकर के इनके स्पाइनल कॉर्ड को काफ़ी प्रेस कर रही है। तो उसके अंदर अब ये वो इतनी बुरी कंडीशन में है और इनकी इतनी बुरी हालत है कि ऑपरेशन होना चाहिए, ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। तो फिर बचने के लिए क्या करें, तो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सर्वाइकल के लिए आज इनका पहला दिन है। तो पहले दिन के अंदर मैंने क्या किया, देखा तो ये पूरी मसल्स यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टिफ थी, कम्प्लीट एकदम टाइट थी, कोई चीज़ कुछ मूवमेंट में नहीं करा सकता था, वो कोई भी बिल्कुल फिजियोथेरेपी इनको नहीं कराई जा सकती थी। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, ये जो बाल्टी है ये गर्म पानी की बाल्टी से भरी हुई है, गर्म पानी की, इसके अंदर एक टॉवल डालते हैं, टॉवल को अंदर इस पानी में से निकाला और इसको इतना निचोड़ दिया कि पानी टपके नहीं, पानी रह जाए लेकिन टपके बिल्कुल नहीं। एक बार थोड़ा और दबा दीजिए, टपकना बंद हो गया, बस काफ़ी गर्म पानी है। अब इस टॉवल को हमने लिया और इनके कंधे के ऊपर पूरा सब मसल्स ऊपर से नीचे तक पूरा कंधा इन्वॉल्व हो जाए खोल के, हाँ इसको हमने टॉवल को इस पूरी मसल्स के ऊपर आसपास लपेट दिया आगे तक, इसको आगे ले जाओ, मोड़ो मत साइड से, हाँ और इसको ले जाओ, ये छोटी तो बड़ी भी टॉवल ले सकते हैं, बड़ी वाली टॉवल लें तो पीछे यहाँ तक पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो बड़ी टॉवल भी ले सकते हैं, बड़ी टॉवल ले करके आइए, आप एक बड़ी टॉवल लाइए और उसको भिगा के लगाइए। छोटी टॉवल भी ले सकते हैं, बड़ी टॉवल शुरू में, क्योंकि इनकी नीचे बैक तक यहाँ तक काफ़ी असर आ रहा है इसका, ठीक है। तो उसको बड़ी टॉवल को भिगाइए, देखिए ये काफ़ी बड़ी टॉवल है, DCM की रोए वाली टॉवल, ये लीजिए, अब इसको निचोड़िए, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना, सिर्फ पानी टपकना बंद हो जाए, नहीं तो फिर इसकी गर्माहट गायब हो जाएगी। ठीक, अब इस छोटी टॉवल को हटा दीजिए आप और बड़ी टॉवल को दोहरा करके लगा दीजिए। नहीं, पूरा खोलिए, चौड़ाई में पूरा खोलिए और बीच में से दोहरा कर दीजिए, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब इनको इनके कंधे पर लगाइए, हाँ इस तरह से, नहीं नीचे नीचे तक जाने दो, हाँ और गर्दन तक पूरा लपेट दो आगे तक पूरा आप। तो अब देखिए इनकी बॉडी, पकड़िए इसको, अब इनकी बॉडी पूरी नीचे रीढ़ की हड्डी तक लगभग लंबर स्पाइन तक पूरी इनको रगड़ दिया है और ये पूरी गर्दन यहाँ तक कान तक पूरी इन्वॉल्व है और आगे पूरी बॉडी आगे इन्होंने पकड़ा हुआ है और पूरा कंधा सब इन्वॉल्व हो गया है। तो ये वेट हीट है, ये वेट हीट बहुत ज़्यादा फायदा करती है और पूरा ये पेरिओस्टियम तक और बोन्स तक जाती है, सभी लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देती है। तो ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग ड्राई हीट यूज करते हैं जो हीटिंग पैड के रूम में होती है, आप एक हीटिंग पैड लेकर के आइए, जो हीटिंग पैड के रूम में होती है, तो हीटिंग पैड कभी भी फायदा नहीं करता है, वो नुकसान करता है स्किन और सबकोटेनियस और डीप फेसिया का, तो वो गर्म कर देगा पर वो अंदर तक इफेक्ट उसका नहीं आता है। तो कभी भी हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा गर्म पानी की तौलिया से सिकाई करनी चाहिए, जिसको कि हम वेट हीट कहते हैं। तो ड्राई हीट इज़ डेंजरस एंड वेट हीट इज़ बेनिफिशियल। तो ये जो हीटिंग पैड आता है, देखिए दिस इज़ हीटिंग पैड और इसकी ये डोरी है, ये हीटिंग पैड, इसको अगर हीटिंग पैड आपको यूज ही करना है तो ध्यान करें इसके अंदर एक रेगुलेटर होता है हीटिंग पैड का, ये रेगुलेटर होता है, इसको एक नंबर पर यूज़ करें, कभी भी 3 या 2 नंबर पर यूज ना करें, क्योंकि वो स्किन को तो जला देगा लेकिन आपको मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। पर कोशिश करें हीटिंग पैड यूज ना करें, क्यों खरीदें 700-800 रुपये का बढ़िया हीटिंग पैड, आप घर में गर्म पानी बाल्टी करें, अगर इस पानी के अंदर आपने सेंधा नमक डाल दिया है, सेंधा नमक एक बाल्टी पानी के अंदर, इतनी बड़ी बाल्टी के अंदर सेंधा नमक की एक पूरी थैली जो 35-40 रुपये की आती है वो डाल दीजिए और 100 ग्राम अजवाइन को एक रूमाल के अंदर पोटली बना के डाल दीजिए, जिससे अजवाइन बाल्टी के पानी में ना फैले, उसका अर्क है
जो सत्व है वो पानी के अंदर आ जाए। ये दोनों चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से सूजन के अंदर, जकड़न के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कराती हैं। तो इनको मैंने अभी 15 मिनट से ये ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। सर आपकी मैं आवाज़ लेना चाहूँगा, आपका चेहरा नहीं आएगा क्योंकि आपने कहा कि चेहरा नहीं आना चाहिए। आपको इस 15 मिनट में ये सिकाई करने से कितना फ़ायदा हुआ है कृपया मुझे बताएं। जकड़न काफ़ी हल्की हो गई, बिल्कुल जकड़न। आपने मूवमेंट करके देखे गर्दन के? मूवमेंट करके हमने देखे। मैंने अभी कोई दवा नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कुछ नहीं किया, ठीक है। और क्या फ़ायदा हुआ है? सिकाई से काफ़ी आराम मिला, जो जकड़न थी कम हुई, दर्द जो होती थी थोड़ा वो भी कम हुआ। हाँ दोबारा बोलिए। जकड़न जो थी इसमें गर्दन घूम नहीं रही थी, मूवमेंट नहीं था, वो मूवमेंट होने लगा है। मूवमेंट होने लगा है, काफी आराम मिला है। आप कितने समय से परेशान थे? लगभग 3 सालों से। तीन साल से परेशान थे, तो 15 मिनट के अंदर आपको क्या फायदा हुआ है? लगभग दर्द मेरा आधा हो गया। तो मैंने तो कुछ किया, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, आपको कोई दवा दी नहीं है? बिल्कुल नहीं दिया, कुछ भी दवा नहीं दी है ना, सिर्फ गर्म पानी से सिकाई की। गर्म पानी सिकाई की है, तो आप घर पर गर्दन के अंदर, अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा, घर पर आप गर्म पानी से इस तरह सिकाई करके मूवमेंट करें तो काफ़ी दर से फायदा मिल सकता है। ठीक, कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं फिलहाल तो अभी इसे कंटिन्यू करना, इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगा आपको, एक वीडियो मैंने आपको दे दी है, ठीक है ना। अब मैं लोगों को आपका MRI दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। अब मैं इस मरीज की आपको MRI दिखा रहा हूँ। देखिए ये MRI होती है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो दोनों तरफ इसके अंदर स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। ये किसी भी कीमत पर ये पूरी लेंथ के अंदर इस तरह से ये स्पेस ख़त्म नहीं होना चाहिए, स्पाइनल स्पेस। लेकिन इस जगह पर ये यहाँ तो इनकी डिस्क ख़त्म हो गई है, ये डिस्क है, ये तो दोनों के इंटरवल डिस्क ही ख़त्म हो गई है, और ये इतने पूरे एरिया के अंदर ये या किंक हो रहा है, और इसकी वजह से तमाम इनको स्टिफनेस है और परेशानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक ऐसे क्लियर होना चाहिए जैसा यहाँ क्लियर है। इतने एरिया में क्लियर नहीं है, मल्टीपल लेवल पर डिस्प्लेस है इनकी, और उससे दिक्कत हो रही है। मैं इनकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, MRI इमेजिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। ये देखिए पूरा सब भरा हुआ है, C5, C6, डिस्क रेफ, और ए डैमेज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और कंप्रेशन ऑफ द न्यूरोपैथी C2, C3, C4, C5, सब में ये लिखा हुआ है कि पूरा स्पाइन डैमेज है। और 2 पेज की रिपोर्ट उन्होंने टाइप की है, और ये फाइनल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के ऊपर सभी कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पाइन सर्जन और न्यूरो सर्जन, इनको स्पाइन सर्जरी कहते हैं, बता चुके हैं। ये लोग बहुत डरे हुए हैं, मेरे पास आए हैं, आज से मैं इलाज करूँगा। यदि मरीज ईमानदार रहा तो इनको 1 महीने के अंदर ऑपरेशन की, एक भूल जाएंगे कि ऑपरेशन की भी ज़रूरत है या इनको कोई गर्दन की समस्या थी, पर ईमानदार होने की ज़रूरत है, और ईमानदार मरीज बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर ये बहुत कष्टों में है, ये शायद ईमानदार हो जाएं। और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूँगा ईमानदार हो जाएं, और अपने शरीर को 1-1 घंटे दिन में 3 बार देना शुरू कर दें, तो 1 महीने के अंदर इनको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 011424300।